Assalamu alaikum. My name is Apurva and I'm a student. My question is, Muslims pray 5 times a day and do wuzu all the 5 times. There are so many people doing wuzu across the world. So since there is a problem of water, I feel Muslims waste a lot of water by this way. Why is it necessary to do wuzu before namaz? बहन ने एक अच्छा सवाल पूछा है कि मुसलमान नमाज 5 वक्त पढ़ते हैं और हर नमाज के पहले वजू करते हैं. जब वजू करते हैं तो पानी से करते हैं और पूरे दुनिया में पानी की कमी है. तो जब हम 5 बार 5 वक्त वजू करते हैं तो इतना पानी वेस्ट होता है, ज़ाया होता है, तो ऐसा क्यों? पहले मैं वजू के बारे में कहूँगा और फिर कहूँगा वेस्टेज के बारे में. अल्लाह सुब्हानहु तआला का हुक्म है सूरह माईदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 6 में कि आप नमाज पढ़ने के पहले अब्लूशन करो, वुदू करो और आप मुंह धो, हाथ धो एल्बो तक के, सिर पे मसा करो और अपने पैर को धो. ये शर्त है. क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि जब भी हम अल्लाह सुब्हानहु तआला की इबादत करते हैं, खुदा की इबादत करते, हम चाहते हैं कि हम साफ हो जाएं. अगर मैं आपसे कहूंगा बहन, वुजू का पानी, हमारे अल्लाह के रसूल ने कहा एक बार एक शख्स, एक इंसान बहते हुए नदी में वुजू कर रहा था, तो अल्लाह के रसूल ने कहा आप जिस तरीके से वुजू कर रहे, पानी इतना वेस्ट हो रहा है. तो वो शख्स ने कहा या रसूल, मैं तो बहते हुए नदी में कर रहा हूं तो पानी कैसा वेस्ट होगा? तो अल्लाह के रसूल ने कहा बहते हुए नदी में भी पानी का फजूल खर्च मत करो, पानी में इसराफ ना करो. क्यों? उसकी वजह यह है कि जब आपको आदत हो जाएगी कि ज्यादा पानी से करना, जब आप घर में भी करेंगे फिर भी आप ज्यादा पानी वेस्ट करेंगे, तो इसराफ करना इवन वुजू के वक्त, वुजू के वक्त ज्यादा पानी इस्तेमाल करना भी इसराफ है और गलत है. आप जब देखते हैं कि वुजू करने के लिए, बहन जवाब को सुन रहे हैं आप मेरे ना? यस सर. मैं पूछना चाहता हूँ क्या आप रोज नहाते? यस सर. रोज नहाते? या. वुजू करने के लिए वुजू आप एक पार्ट पानी से भी कर सकते हैं, एक पार्ट ओके से करते हो. और मैं कई बार कर चुका हूँ स्पेशली जब ट्रैवलिंग करते, एक पार्ट से. 5 बार वुजू करने के लिए 5 पार्ट में हो जाता है, तकरीबन 1 लीटर पानी भी काफी है. नहाने के लिए कितना लीटर चाहिए बहन आपको? Never measured. But तकरीबन एक बकेट, दो बकेट, एक तो लगता है. Yeah. एक बकेट पानी यानी 20-25 लीटर. तो मैं आपसे कहूंगा कि इतना पानी वेस्ट हो रहा है, मैं आपसे कहूंगा रोज मत नहाओ, सिर्फ महीने में एक बार नहाओ, आप मानेंगे? नो. आप कहेंगे भाई ठीक है, पानी अक्सर लोग 3 बाल्टी इस्तेमाल करते, 4 बाल्टी इस्तेमाल करते, भाई मुझे साफ सुथरा रहने का है, तो मैं रोज नहानी चाहती हूँ. और मैं भी अलहमद रोज नहाता हूँ, कभी कभी 2 बार नहाता हूँ. तो इसी तरीके से जब आप नहाना चाहती है आपके बदन को साफ रखने के लिए, हम भी जब अल्लाह सुबहाना तआला के सामने इबादत करते हैं तो अहम जो जिस्म के हिस्से है उसे हम साफ करते, ताकि हम हमारे रब के सामने, हम हमारे ईश्वर खुदा अल्लाह के सामने जब पेश आएंगे, हम चाहते हम साफ रहे. आप कैसा चाहते हैं? क्या आप हर रोज साफ रहे? उस तरीके से हम मुसलमान भी नमाज पढ़ने के पहले हम चाहते हैं कि हम साफ पेश आए. उसके साथ हम नहाते भी है, और अगर पानी कम है, आप अगर रेगिस्तान में जाएंगे तो पानी तो बहुत कम है, आप अगर एंटार्क्टिका जाएंगे तो लोग 6 महीने में एक बार नहाते, साल में एक बार नहाते. हमारे रसूल ने कहा कम से कम एक बार तो ना हो. पानी की अगर किल्लत है, पानी की कमी है, तो कम से कम जुम्मे नमाज के पहले एक बार नहाओ. पहले फर्ज था, अभी मुस्तहब है. फर्स्ट इट वॉज कंपल्सरी, नाउ इट इज प्रेफरेबल. लेकिन आप जब अल्लाह सुबहाना तआला की इबादत करते हैं उस वक्त साफ होना जरूरी है. इसीलिए हमारा जो क्रिएटर है, हमारा जो ईश्वर है, हमारा जो खालिक है, हम उसके सामने साफ होकर आना चाहते, इसीलिए हम वुजू करते. और उसके साथ साथ एक मेंटल प्रिपरेशन भी है. मैं अपनी तकरीर में कहता हूं इट इज लाइक